कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। मैनिफेस्टो से लेके बयानों तक बीजेपी वाले कांग्रेस को लगातार बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में फहरिस्त में पीएम मोदी ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा के एक बयान पर हमला बोला है। हमले के सेंटर में इनहेरिटेंस टैक्स है। कांग्रेस नेता पित्रोदा भारत में इस तरीके के टैक्स लगाने की वकालत कर रहे हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस लोगों पर मरने के बाद भी टैक्स लगा देगी। कांग्रेस पर ऐसे हमलों के बीच हुआ ये कि हिंदी मीडिया में इनहेरिटेंस टैक्स को हिंदी ट्रांसलेशन करके विरासत टैक्स के तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। इस स्टोरी में पहले तो समझेंगे कि सैम पित्रोदा जिस टैक्स की बात कर रहे हैं वो है क्या, फिर ये पता करेंगे कि क्या सिर्फ पित्रोदा ने इसे लगाने की वकालत की है या कांग्रेस भी इसके पक्ष में है, पहले क्या और सरकारें इसके पक्ष में रही हैं, बीजेपी वालों का इस पर क्या स्टैंड रहा है, और अगर ऐसा होता है, इस तरीके का टैक्स लगता है, तो आपकी लाइफ में क्या बदल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्विच। ऐसी ही जरूरी स्टोरीज के लिए, एक्सप्लेनर्स के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा से पार्टी के मैनिफेस्टो पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर पार्टी की सरकार आती है तो वो एक सर्वे कराने की बात कह रही है, कांग्रेस पता लगाने की बात कह रही है किन लोगों ने देश में धन संचय करके रखा है, और सर्वे के नतीजों के बाद जो पैसा आएगा उसको आम लोगों में बांट दिया जाएगा इस तरीके से कि समाज में बराबरी आए। जवाब में पित्रोदा ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस किसी का भी पैसा लेकर किसी को भी दे देगी। पित्रोदा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि समाज में बराबरी लाने के लिए नई पॉलिसीज यानी नई नीतियां बनाई जाएंगी। So the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. पित्रोदा के मुताबिक ऐसी नीतियों का फोकस इस पर होगा कि चंद लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कंसंट्रेटेड मत रहे, सीमित मत रहे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी का पैसा लेकर किसी और को देना पॉसिबल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो करना चाहती है उसे लेकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी नीतियां बनेंगी जिससे वेल्थ का कंसंट्रेशन चंद लोगों तक सीमित मत रह जाए, चंद लोग हर जगह पे मत हो, मोनोपोली मत हो उनकी, हर जगह वही अपना बिजनेस मत चला रहे हो। उनके हिसाब से इससे समाज में बराबरी आएगी। ये सब कहते हुए अचानक से उन्होंने अमेरिका में जो इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है उसका एग्जाम्पल दे दिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. पित्रोदा ने आगे कहा कि चंद लोगों को इतना ताकतवर होने से रोका जाना चाहिए कि वो लोग इतने पावरफुल मत हो जाए कि वही देश की सरकार चलाने लगे। उन्होंने कहा कि ये बात दुनिया के हर डेमोक्रेसी में अश्योर की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के अमीर होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि किसी के अमीर होने की कोई तो सीमा होगी। यहीं पर उन्होंने सवाल पूछने वाले से कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। इनहेरिटेंस टैक्स को एक्सप्लेन करते हुए पित्रोदा ने कहा कि अगर किसी के पास $100 मिलियन की दौलत है अमेरिका में और उसकी मौत हो जाती है तो वो लगभग इसका 45% ही अपने फैमिली वालों को ट्रांसफर कर सकता है। पित्रोदा ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक इस टैक्स की वजह से बाकी 55% अमेरिका की सरकार के पास चला जाता है। पित्रोदा के मुताबिक ये कानून एक दिलचस्प कानून है। उन्होंने आगे बताया कि इस कानून को लेकर अमेरिका की सरकार अपने लोगों से ये कहती है कि जब आप जिंदा थे तो आपने देश में दौलत कमाई, अब जब आप दुनिया छोड़कर जा रहे हैं तो इसका एक हिस्सा देश के लोगों के लिए भी होना चाहिए, इसका पूरा हिस्सा नहीं बल्कि आधा हिस्सा या इसके करीब की दौलत देश के लोगों के लिए होनी चाहिए। पित्रोदा के मुताबिक उनके हिसाब से ये एक अच्छा कानून है। फिर वो कहते हैं कि भारत में ऐसा कोई कानून अभी तो नहीं है। पित्रोदा ने कहा कि अगर भारत में आपके पास $10 बिलियन भी हैं और अगर आपकी मौत हो जाती है तो ये पूरा पैसा
आपके परिवार को जाता है, देश की जनता को कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तरीके का कोई टैक्स इंडिया में लगाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत में ऐसे मुद्दों पर जनता के बीच डिबेट जरूर होनी चाहिए, बहस जरूर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की डिबेट का अंत क्या होगा ये किसी को नहीं पता। फिर भी उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि पार्टी जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात यानी पैसों को लोगों के बीच बांटने की बात करती है तो उसका मतलब ये होता है कि पार्टी इससे जुड़ी नई पॉलिसीज, नए प्रोग्राम्स लेकर आएगी। इस प्रोग्राम का फोकस आम लोगों का भला करना होगा, इससे सिर्फ देश के जो सुपर रिच हैं यानी सबसे अमीर लोग उनका भला नहीं, मतलब सिर्फ उन्हीं का भला नहीं होगा, समाज में इस तरीके की समानता लाने की कोशिश होगी। पित्रोदा की यह बातचीत न्यूज एजेंसी ANI ने रिलीज की। इस बातचीत के सामने आने के बाद ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। सुनिए कि जब उन्होंने यह हमला किया कांग्रेस पे तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा क्या। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। पीएम मोदी के हमले से पहले हमने आपको बताया कि पूरे मामले पर सैम पित्रोदा ने क्या कहा है। पित्रोदा ने बेहद आसान शब्दों में इस टैक्स को एक्सप्लेन किया। इस तरह का टैक्स ज्यादातर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में लगता है। पित्रोदा ने जो कहा उसमें आपको अमेरिका का उदाहरण मिला। अमेरिका के अलावा जापान में ये टैक्स 55% के करीब लगता है, इनहेरिटेंस टैक्स। वहीं दक्षिण कोरिया में 50, तो फ्रांस में 45% के आसपास का इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। वहीं भारत से लेकर रूस, हांगकांग, सिंगापुर, ऐसे तमाम देश हैं जहां पे ये टैक्स नहीं लगाया जाता। मेनली प्रॉपर्टी पर लगने वाले इस टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इंडिया में नहीं लगता। हालांकि आजादी के बाद एक आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन। उस समय भारत के लोगों ने समाज में समानता लाने के लिए अपने मन से जमीनें दान करनी शुरू की थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो मैंने पढ़ी इस स्टोरी के रिसर्च में, उसके मुताबिक 1985 तक इंडिया में विरासत कर लगता था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने इसे हटा दिया था। तब के वित्त मंत्री वीपी सिंह का कहना था कि इसे समाज में इक्वालिटी लाने के लिए लाया गया था, लेकिन ये कानून ऐसा करने में असफल रहा। अगर पूरे मामले पर कांग्रेस के लेटेस्ट स्टैंड की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि वो इस तरीके का कोई सा भी टैक्स लाने का प्लान नहीं कर रही है। उनका इंटेंट बिल्कुल नहीं है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आए। अपने एक ट्वीट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विरासत कर लागू करने की कांग्रेस की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, 1985 में स्टेट ड्यूटी के नाम से जो कानून था वो खत्म कर दिया। रमेश का आरोप है कि असल में मोदी सरकार ही है जो ऐसा करना चाहती है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया कि मोदी सरकार के वित्त मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 2014 में वो इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना चाहते थे। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 2017 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि मोदी सरकार इस तरीके के टैक्स को फिर से लागू कर सकती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स की प्रशंसा की थी, अप्रिशिएट किया था इसको, और कहा था कि पश्चिमी देशों में इस तरह के टैक्स से अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी मात्रा में डोनेशन मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई थी कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट में 2019 में इनहेरिटेंस टैक्स को पेश करेगी। और अंत में जो बॉल है वो बीजेपी को कोर्ट में डालते हुए रमेश ने ये कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी को ये तय करना है कि उनका स्टैंड क्या है। वैसे कांग्रेस ने समाज में समानता लाने के लिए जो सर्वे कराने की बात कही है अपनी मैनिफेस्टो में, बीजेपी और उसके तमाम बड़े नेताओं ने उस बात पर सबसे ज्यादा हमला किया है। इसी से जुड़े एक हमले में पीएम मोदी ने राजस्थान में जो एक स्पीच दी थी उसको हेट स्पीच तक बताया अपोजिशन ने। उसकी इलेक्शन कमीशन से शिकायत तक की जा चुकी है। सुनिए कि राजस्थान के बसवाड़ा में पीएम मोदी ने आखिर कहा क्या था। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है।
कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा विपक्ष पीएम मोदी के इस स्पीच को हेट स्पीच बता रहा है, मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। इसके जवाब में आपको सुनाएंगे कि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, पीएम मोदी के इस बयान के जवाब में क्या कहा। लेकिन उसको सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पहले फेज से निकलकर 26 अप्रैल वाले दूसरे फेज तक जो चुनाव पहुंच गया है, उस चुनाव में ये जो तमाम नेता हैं वो आपके जरूरत से जुड़े कितने मुद्दे उठा रहे हैं। ये भी बताइएगा कि देश के जिन तमाम नेताओं के भाषण आपने सुने और देखे, उनमें से आपको क्या लगता है कि कितने आपके जरूरत के मुद्दे उठा रहे हैं। ये कमेंट हम इसलिए आपसे करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी कवरेज को भी, स्विच की कवरेज को, जो एक्सप्लेनर्स हों तो या हमारी फील्ड रिपोर्ट्स हों, आपके मुद्दों के हिसाब से प्लान कर पाए, ढाल पाए। सुनिए कि प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मंगल सूत्र वाले हमले के जवाब में आखिर कहा क्या। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में। अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगल सूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ।